सो हेलो चौबाटी स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर एंड वी आर हेयर अनदर वीडियो वाइज एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू क्वेश्चन पेपर और ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है हमारा क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जम्मूर एग्जामिनेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री ठीक है और ये रहेगा सब्जेक्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स माइनर ठीक है मैक्सिमम मार्क्स एट्टी मार्क्स का हमारा ये टोटल क्वेश्चन पेपर होता है एंड मिनिमम आपको थर्टी टू चाहिए होते हैं कोर्स थोड़ा आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने लिख रखा है पेपर का टाइटल है हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है और टाइम आपके पास ढाई घंटे तो इन भी बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर है तो आप देख सकते हैं और स्क्रीन जो है वो इसका ले सकते हैं ठीक है एंड और जो भी हमारे कॉलेजेस आते हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंडर उन सभी बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर है ठीक है जो भी हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो यहाँ पे हमारी आ जाती है सबसे पहले सेक्शन ए यहाँ पे सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं एक मार्क्स के और दो मार्क्स के आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं ठीक है थीके? अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेक्शन ए के अंदर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे जैसे पहला है, है तो डिटरमाइन करना है आपको इक्वलेंट रेजिस्टेंस फॉर अ सीरीज सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ थ्री रेजिस्टेंस ईच ऑफ टेन ओम दे रखा है यहाँ पर तो आपको डिटरमाइन करना है इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा फॉर अ सीरीज सर्किट के लिए ठीक है जिसमें तीन रेजिस्टेंस जो है वो और हर एक का कितना है टेन ओम जो है वो रेजिस्टेंस है ठीक है सेकेंड आ जाएगा व्हाट इज़ स्टैटिक एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ पी एन जंक्शन डायोड ये हमारा वन मार्क्स का है रेक्टिफायर क्या होता है आप सबको पता है ए सी से डी सी कन्वर्ट करने वाला जो करंट को तो, तो ये भी वन मार्क्स का है एंड देन अगर हम यहाँ पे नीचे बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा कि व्हाट इज़ ट्रांजिस्टर ब्यासिंग क्या होता है ये भी वन मार्क्स का है वो राइट ए शार्ट नोट ऑन ट्रांसफार्मर वन मार्क्स का फिर डिस्कस वन एप्लीकेशन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड वन मार्क्स का फिर यहाँ से नीचे जो हमारे ये फाइव क्वेश्चन हैं ये हमारा टू मार्क्स का ईच है ठीक है कहते हैं कि आपको फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ठीक है उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इन कैपेसिटर के अंदर टू मार्क्स का है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंटरेंसिक एंड एक्सटेंसिक सेमी कंडक्टर्स टू मार्क्स का अगेन डिफरेंट विटविन क्या है सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस में ये भी टू मार्क्स का है हमारा और डिस्कस वन एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड ये भी हमारा टू मार्क्स का है आपको कोई वन एप्लीकेशन क्या यूजेस हैं जनरल डायोड के वो बताना है टू मार्क्स का वट इज डिफरेंस विटविन बी जे टी एंड एफ ई टी इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होंगी अगर पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा ठीक है और ये रहती है हमारी सेक्शन ए इसके अंदर हमने देखे वन मार्क्स एंड टू मार्क्स के क्वेश्चन फिर आ जाता है हमारा सेक्शन बी ठीक है और अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे कहता है कि अटैम्प्ट वन क्वेश्चन फॉर ईच यूनिट आल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स और सेकेंड यूनिट्स क्योंकि फर्स्ट यूनिट से यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आते और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिक्सटीन मार्क्स का हमारा ए क्वेश्चन होता है जिसमें हमारा लॉन्ग पार्ट ट्वेल्व मार्क्स का शॉर्ट पार्ट फोर मार्क्स का कहता है कि वट इज़ कैपेसिटर क्या होता है एक्सप्लेन करो एड्स फिक्सड एंड वेरिएबल टाइप्स जो है इसकी उनको आपको एक्सप्लेन करना है बी पार्ट कहता है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्वलेंट्स इंडक्टेंस इन केस ऑफ सीरीज एंड पैरलर इंडक्टर्स होते हैं हमारे फोर मार्क्स का इसके साथ चॉइस आ जाएगी वट इज़ इंडक्टर एंड एक्सप्लेन इट्स फिक्सड एंड वेरिएबल टाइप्स ठीक है यहाँ पे कैपेसिटर पूछा गया है और इसकी फिक्सड और वेरिएबल टाइप्स पूछी गई हैं और इसके साथ चॉइस में आपसे पूछा गया है इन्होंने कि आपको बताना है इंडक्टर्स क्या होता है ठीक है और इसकी फिक्स्ड एंड वेरिएबल टाइप्स आपको एक्सप्लेन करनी है क्योंकि ट्वेल्व मार्क्स का है ठीक है उसके बाद अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पे आपको आ जाएगा इसका बी पार्ट ठीक है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इन केस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर्स फोर मार्क्स यूनिट नंबर थर्ड यहाँ से अगेन आपको दो क्वेश्चन आए होंगे ठीक है और कहता है व्हाट इज जेनरल डायोड क्या होता है और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी डायोड से कैसे अलग है ये एंड आल्सो एक्सप्लेन करना है कि हाउ जेनरल डायोड कैन बी यूज्ड एज वोल्टेज रेगुलेटर कैसे इसको यूज कर सकते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर ये आपको एक्सप्लेन करना है बी पार्ट कहते हैं एक्सप्लेन फॉरवर्ड वेसिंग ऑपरेशन आप चॉइस कहता है फाइव का ए पार्ट वट इज क्लैम्पर एंड एक्सप्लेनिट्स टाइप्स इसके जो प्रकार है उनके बारे में आपको लिखना है ट्वेल्व मार्क्स वाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन एंड डिफ्यूजन कपैसिटेंस ठीक है फोर मार्क्स का देन आ जाएगा हमारा यूनिट नंबर फोर तो यहाँ पे क्या होता है यूनिट नंबर फोर से भी अगेन आपको दो क्वेश्चन आए होंगे एंड आपको वही एक ही करना है ठीक है कहता हैं एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फाइन एन एक्सप्रेशन फॉर द रिपल फैक्टर इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर ट्वेल्व मार्क्स का बी पार्ट एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ शंट कैपेसिटर एज फिल्टर फोर मार्क्स इसके साथ चॉइस एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर जो करते हैं हमारे ठीक है इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में आपको बताना है ट्वेल्व मार्क्स का हमारा अगेन ये रहने वाला है फिर इसके बाद आ जाएगा इसका बी पार्ट फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एफिशिएंसी इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर यूनिट नंबर फाइव अगेन आपको दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहाँ पे चॉइस आपको सामने है एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी चैनल जे एफ ई टी ट्वेल्व मार्क्स का हमारा ये एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ़ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर फोर मार्क्स का फिर कहते हैं एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड करेक्टरस्टिक्स ऑफ एन बी एंड ट्रांजिस्टर ट्वेल्व मार्क्स फिर कहता हैं एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वोल्टेज डिवाइडर बियासिंग ऑफ ट्रांजिस्टर ये भी ट्वेल्व मार्क्स नहीं ये ट्वेल्व का नहीं होगा ये फोर मार्क्स का होगा ठीक है तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपसे शेयर करा ठीक है और यहाँ पे ये जो मार्किंग है ना बी पार्ट आप सबको पता है फोर मार्क्स का होता है ठीक है तो ये गलत है यहाँ पे फोर मार्क्स और बाकी ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो हमने आपसे शेयर करा और ये था जो भी बच्चे हमारे सी एल यू जम्मू से हमारे यू जी का कोर्स कर रहे हैं ठीक है थीके? उन सभी बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर था सेकेंड सेमेस्टर ठीक है सेकेंड सेमेस्टर पता कैसे चलेगा कि सेकेंड सेमेस्टर का है हमारा या फिर उनका है तो ये मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे देखो सामने लिख रखा है इन्होंने इसके अंदर देखो कोर्स कोड देखो यहाँ पे फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ पे देखो टू जीरो वन मीन सेकेंड सैम वालों का ही है ये सो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय हैव अ गुड डे और अगर आप हमारे चैनल पर नए थे चैनल को आपने कर देना है सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर देना है लाइक ठीक है और आप और भी क्वेश्चन पेपर जो है वो देख सकते हैं प्ले लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे सो so, आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय हैव अ गुड डे